नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सीनियर सिटीजन कंसेशन की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपने भारतीय रेल में सफर तो जरूर किया होगा। सफर के दौरान जो बुजुर्ग लोग होते हैं रेलवे की तरफ से, उनको सीनियर सिटीजन कंसेशन दिया जाता है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आपके बीच में लेके आए हैं। भारतीय रेल में सफर करने वाले बुजुर्ग यात्रियों के लिए एक बुरी खबर है। रेलवे द्वारा अब वरिष्ठ नागरिकों को किराए में दी जाने वाली छूट पर पाबंदी लगाई जा रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव जी ने बीते दिनों लोकसभा में कहा कि रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को किराए में दी जाने वाली छूट पर फिलहाल पाबंदी लगी रहेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि ट्रेन में सफर करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को किराए में फिलहाल छूट नहीं मिलेगी और उन्हें भी बाकी यात्रियों की तरह पूरा किराया चुकाना होगा। आपको बताते चलें कि 2020 में जब देश में कोरोना की पहली लहर आई थी, तब सरकार ने यात्री रेल सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि कुछ समय के बाद सरकार ने यात्री सेवाओं को शुरू कर दिया था, लेकिन जब रेल सेवाएं शुरू की गई थी तो रेलवे ने बुजुर्ग यात्रियों को दिए जाने वाली छूट पर पाबंदी लगा दी थी। कोरोना के दौरान जब यात्री रेल सेवाओं को दोबारा शुरू किया गया, तब बुजुर्गों को किराए पर मिलने वाली छूट बंद हो गई थी। हालांकि रेलवे ने कुछ विशेष श्रेणी के अंतर्गत आने वाले यात्रियों के लिए किराए में छूट देना दोबारा शुरू कर दिया था। बता दें कि कोरोना के दौरान जब रेल सेवाएं बहाल की गई थी, उस समय से ही 4 श्रेणी के दिव्यांगों, 11 गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों और छात्रों को किराए में छूट मिलने लगी थी। कोरोना के दौरान जब रेल सेवाओं को बंद किया गया था, उस समय रेलवे को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। टिकट की बिक्री बंद होने की वजह से यात्री किराए से होने वाली कमाई भी बंद हो गई थी। हालांकि बाद में सेवाएं शुरू तो कर दी गई, लेकिन ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या काफी कम हो गई थी। मौजूदा समय में भी लोग अब सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, लिहाजा ट्रेनों में यात्रियों की संख्या कम होने की वजह से भारतीय रेल की कमाई पर काफी बुरा असर पड़ा है। आपको बताते चलें कि भारतीय रेलवे द्वारा 58 साल से ऊपर की महिला यात्री और 60 साल से ऊपर के पुरुष यात्रियों को किराए पर रियायत दी जाती थी। केंद्रीय रेल मंत्री माननीय अश्विन वैष्णव ने कहा कि यात्रियों को किराए पर दी जाने वाली छूट से भारतीय रेलवे पर काफी बोझ पड़ता है, इसीलिए रेलवे ने यह फैसला किया है कि फिलहाल बुजुर्गों को रेल किराए पर मिलने वाली छूट पर पाबंदी जारी रहेगी और उन्हें भी बाकी यात्रियों की तरह पूरा किराया देना होगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।